फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फ्रॉम मनाली। आज है हमारा मनाली में सेकेंड डे। अभी 9 बजने वाले हैं, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और हम रेडी भी हो चुके हैं। अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं अटल टनल की तरफ। अटल टनल क्रॉस करने के बाद देखेंगे हम कितनी दूर तक आज जा सकते हैं, क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है, इसलिए हैवी स्नो के कारण जगह जगह पे रास्ता बंद हो सकता है। शायद हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएँ। चलिए देखते हैं कि कितने दूर जा सकते हैं। रास्ते में हमें मिलेगा अभी सोलंग वैली। सोलंग वैली जो मनाली का बहुत ही पॉपुलर एक टूरिस्ट स्पॉट है। सीज़न के वक्त यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा रहता है। सोलंग वैली में आपको बहुत सारा एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने को भी मिलेगा, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, एटीवी राइड, स्केटिंग और भी बहुत कुछ। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सोलंग वैली। यहाँ के रास्ते का नज़ारा इतना सुंदर है कि आप कहीं पे भी बोर नहीं फील करेंगे। रास्ते में आपको बहुत सारा शॉप्स मिलेगा जहाँ से आप बर्फ़ में जाने के लिए सूट एंड गमबूट रेंट कर सकते हैं। लगभग 250 रुपये का मिलेगा आपको। सीज़न के वक्त ये चेंज भी हो सकता है। इतनी देर से हमें दूर से सिर्फ बर्फ़ दिख रहा था, अभी फर्स्ट पास से मिल गया, इसलिए हम थोड़ा टच करके देख रहे हैं इसको। चलिए अभी आगे चलते हैं। सामने रास्ते में हमें बहुत सारा स्नो और मिलने वाला है और हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ और आप भी इंजॉय करें। अभी हम पहुंच गए हैं अटल टनल के गेट के सामने। यहाँ पर पुलिस सबको डायरेक्शन दे रहे हैं, या बोल सकते हैं कि गाइडलाइंस बता रहे हैं, ताकि हम स्पीड लिमिट मेंटेन रखें और रास्ते में कहीं खड़े ना हो जाए। अटल टनल बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है, लगभग 9 किलोमीटर, और आपको ये पार करने में लगभग 15 मिनट तक लग सकता है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारा। अभी हम बाहर की तरफ आ गए हैं फाइनली। बाहर निकलते नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हम लोग बिल्कुल सरप्राइज हो गए। इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना सुंदर नज़ारा था। अटल टनल से निकलते ही बाएं तरफ का जो रास्ता है वो जाता है सीधा लेह की तरफ, और दाएं तरफ का जो रास्ता है वो जाता है रोहतांग पास की तरफ। अटल टनल के बाहर ज़्यादा देर तक खड़े होने का परमिशन नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए। अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ। रास्ते का जो खूबसूरती है वो मतलब बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए इतना शब्द ही नहीं है। हमने पहली बार सामने से इतना ज़्यादा स्नो देखा है। सच में मनाली की वादियों में एक जादू सा है। इतना खूबसूरत नज़ारा हमने आज तक कभी नहीं देखा। रास्ते में हमें मिल गया एक छोटा सा वाटरफॉल और हमारा फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। ये इतना ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है, लेकिन ये हमारा इस सफ़र का फर्स्ट है। ये रास्ता सीधा जाता है जन्नत की तरफ, जो कि बहुत लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है। हम भी एक दिन जाएंगे और वो है लद्दाख। बहुत देर से हम चल रहे हैं, हमें थोड़ा भूख भी लगी है, इसलिए हम रुक के थोड़ा कुछ खा लेते हैं। यहाँ के पास में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग स्नो में एंजॉय कर रहे थे, तो उन लोगों को देख के हम भी वहाँ पे चले आए हैं और हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्नो इतना फ्रेश नहीं है क्योंकि हाल ही में स्नोफॉल नहीं हुआ है। अगर आपको एकदम फ्रेश स्नो चाहिए तो आपको जनवरी या फरवरी के बीच में आना पड़ेगा। हम लोग मार्च में गए हैं, स्नो तो बहुत है लेकिन इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है। फिर भी हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की है जो आप देख सकते हैं। इस घर के ऊपर पूरा बर्फ़ जमा हुआ था, ऐसा हमने पहली बार देखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग जाएंगे सोलंग वैली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आने को डरना मत, डरना मत।